अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल जैद सुल्तान एग्रीकल्चर पे। आज की वीडियो का मौजू प्याज। दोस्तों, प्याज पे वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये वही प्याज है जो कि 30 रुपये से 50 रुपये के किलो के हिसाब से मार्केट में आम मिलता था, लेकिन आज प्याज हो गया 60 और इसकी कीमत 300 से लेकर 350 तक पहुँच चुकी है। इसकी वजह क्या है, क्यों शार्ट हुआ है प्याज, तो इसकी वजह यही है कि ये प्याज केपी के और सिंध वाली साइड पे उगाया जाता था और वहाँ अल्लाह माफ़ करे सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से इसकी जो प्याज की फसल थी वो तो तबाह हो गई है, लेकिन ये नहीं कि सब तबाह हो गई, कुछ मौजूद भी है, लेकिन वहाँ से पंजाब तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके लिए भी वहाँ सैलाब की वजह से कई सड़कें टूट चुकी हैं। इसकी वजह से यहाँ पंजाब में लाने में प्याज मुश्किल हो रही है और प्याज कम हो गया क्योंकि सैलाब की वजह से शॉर्ट हो गया। अब इसका हाल यही है कि हम सब पहले तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि सैलाब कम हो और अब कम हो और प्याज दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाए। अब ये बात भी साथ में ही है, पंजाब में प्याज हम उगा सकते हैं, इंतहाई आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं उगाते, क्योंकि हम कहते हैं कि ये 15 से 20 रुपए से हमसे ख़रीदा जाना है, आगे मंडियों में जाना है, तो 15-20 रुपए हम समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम प्याज नहीं उगाते थे, लेकिन आज हमें प्याज की कदर ज़रूर हुई होगी। हर उस शख्स को जिसने 300 रुपए से ख़रीदा होगा और बड़ी मुश्किल से मिला होगा, अब ये आम मिल भी नहीं रहा, उस शख्स से पूछे उसकी कीमत। आप सब्ज़ी जो पंजाब में सब्ज़ी उगाने वाले हैं उनको ज़रूर सोच आई होगी कि काश हम प्याज लगा लेते, और अगर लगाए होते तो आज शायद ये नौबत भी ना आती कि प्याज 300 से 350 तक जाए। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान तो गरीबों के लिए है, अमीर तो ऐसा करेंगे कि 300 से 350 तक मिल रहे हैं तो वो फिर भी 3-4-5 किलो ले लेंगे, रख लेंगे, और फिर वो ज़्यादा ही उनकी कीमत बढ़ती जाएगी, और गरीब आवाम वो सोचेगी 300 कैसे लें, अब वो कहेंगे कि फिर जब सस्ता होगा तब लेंगे, लेकिन इतने तक फिर प्याज शॉर्ट हो जाएगा और इस तरह कीमत बढ़ती जाएगी। अब हम सबको चाहिए कि एक तो दुआ करें और दूसरा कि सबको चाहिए कि जो घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है वही प्याज लें, ताकि ये मज़ीद शॉर्ट ना हो, इसकी वजह से इसकी और कीमत ना बढ़े। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल जैद सुल्तान एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।